श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते इसी दिसंबर माह में लाने की तैयारी है। दक्षिण अफ्रीका की वन और पर्यावरण विभाग के मंत्री बारबरा क्रिसी ने प्रोजेक्ट चीता के लिए भारत के साथ एमओयू को मंजूरी दे दी है। पेपर अब राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के पास है। जानकार बता रहे कि राष्ट्रपति भवन से अगले कुछ ही दिनों में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। दरअसल भारत की सरजमीं पर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से एक साथ चीता लाकर बसाए जाने थे। चीतों के चयन से लेकर इनको क्वारंटीन करने तक की तैयारी नामीबिया के साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भी उसी समय पूरी कर ली गई थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने का एमओयू साइन नहीं हो पाया था। नतीजा नामीबिया से 8 चीते आ गए और भारत लाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में चिन्हित किए गए 12 चीते, जिन्हें क्वारंटीन बाड़ों में बंद हुए अब करीब 3.5 माह का समय हो गया है। इधर इस बीच नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क लाए गए सभी 8 चीते बड़े बाड़ों में शिफ्ट हो गए हैं, जहां वे शिकार करते हुए खुद को अच्छे से ढाल चुकी हैं। यही वजह है कि एक बार फिर से दक्षिण अफ्रीका से चीते लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। चीतों का मेडिकल चेकअप करने से लेकर टीका इत्यादि पूर्ण में ही लगाए जा चुके हैं। चीतों को जल्द ही लाना है। क्वारंटीन अवधि के दौरान 2 चीते अनफिट हुए हैं। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जो 2 चीते अनफिट हैं, उनको रिप्लेस करते हुए 2 दूसरे चीतों का चयन कर लिया गया है। अब दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते ही भारत लाए जा रहे हैं। PCCF वाइल्ड लाइफ जसवीर सिंह चौहान का कहना है कि दक्षिण अफ्रीका से आने वाले 12 चीतों के लिए वहां की सरकार ने MOU मंजूर कर फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी है। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद 1 माह के भीतर कूनो पार्क में 12 चीते पहुंच जाएंगे। चीतों के लिए 8 नए बाड़े तैयार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरी टीवी भारत।